विधानसभा खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 10वीं छात्र संसद में देश भर के विधायकों में से भारत के आदर्श युवा विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में देश भर से दो विधायकों का चयन किया गया है, जिसमें से एक विधायक के रूप में खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी का चयन हुआ है। तो कार्यक्रम में आध्यात्मिक श्री श्री रविशंकर, मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राम माधव, जनरल जी जूली बख्शी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो कार्यक्रम का उद्घाटन 20 फरवरी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। सबसे पहले तो मैं भारतीय छात्र संसद का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए यहां पर बुलाया और सम्मानित किया। ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान हमारे पूरे देवभूमि उत्तराखंड का सम्मान है और साथ ही साथ सभी युवा शक्ति का सम्मान है, सभी छात्र शक्ति का सम्मान है और मेरे क्षेत्र खटीमा के सभी महान मेरे जो मेरे क्षेत्र के सभी रहने वाले भाई बहन हैं उनका सम्मान है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, पुष्कर सिंह धामी को आदर्श विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया। 20 तारीख से लेकर 23 तारीख से दिल्ली के विज्ञान भवन में चली 10वीं भारतीय संसद में ये खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी को ये सम्मान मिला है। देश के आदर्श युवा विधायक के रूप में उनको ये सम्मानित किया गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर दो विधायकों का इसमें चयन किया गया था, जिसमें से एक उत्तराखंड के खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी भी है, जिन्हें आदर्श युवा विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। और उनके सम्मान मिलने से उनके श्रीमान क्षेत्र विधानसभा खटीमा में खुशी की लहर है, तमाम लोगों की बधाइयां उनको मिल रही है। और एक युवा सम्मान जो मिला है उनको, उनके नाते विधायक खुद विधायक पुष्कर सिंह धामी का इसमें कहना है कि ये सम्मान उत्तराखंड की देवभूमि का सम्मान है, यहाँ के युवाओं का सम्मान है और उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि सम्मान के बाद वो और ही दृढ़ता के साथ जो समाज सेवा है, जो जनता की समस्या है उनके निराकरण को लेकर एक युवा विधायक के रूप में लगातार अनवरत अपना प्रयास जारी रखेंगे। बिल्कुल दीपक, और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी काफी अहम हो जाता है कि इस आयोजन में देश भर से सिर्फ दो विधायकों का चयन किया गया, जिसमें पुष्कर धामी का भी चयन हुआ है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर खुशी लाजमी भी है। दीपक जी बिल्कुल, खुशी लाजमी है क्योंकि उत्तराखंड के देवभूमि के एक विधायक को इस पुरस्कार में चयनित किया जाता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये प्रतियोगिता या ये सम्मान समारोह आयोजित होता है और देश के प्रखंड विद्वान उसमें, तमाम समाज सेवी उसमें शिरकत करते हैं, तो उसको लेकर जब ये सम्मान मिलता है तो खुद विधायक इसमें विभूत है। इस विधायक सम्मान को पाने के बाद उनका कहना है कि ये सम्मान उनके जो जीवन है, क्योंकि सम्मान मिलता है तो दायित्व का बोध बढ़ जाता है और आपको जिम्मेदारियां ज्यादा निभानी पड़ती है, क्योंकि सम्मान कहीं ना कहीं आपको आगे अच्छा बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये सम्मान कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।